हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ्स के चैप्टर सेकंड इन्वर्सली ग्रामेटिकल फंक्शंस की पार्ट 5 वीडियो लेकर आए। इसमें हम आपके साथ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और डिस्कस करने वाले। ये प्रॉपर्टीज के लिए लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद हम थोड़े से सेकंड चैप्टर के एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स को उनसे फिर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैं प्रॉपर्टीज के नॉर्मल मेथड्स को डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद हम ग्राफ वाले मेथड को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास जो प्रॉपर्टीज है ये एज ए क्वेश्चन भी एग्जाम में कितनी बार आई हुई भी है और काफी बार ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। सो देखते हैं मेरे पास दोनों प्रॉपर्टी क्या है। आपने टेन थ्री एक्स और कोट 3x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में 11th में पढ़ा होगा, उसी के बेस पे ये प्रॉपर्टीज है। दोनों को यहाँ पे हमें ड्राइव करना है बहुत अच्छे से। ये आप देख सकते हैं आराम से कि प्रॉपर्टी है क्या। पहली प्रॉपर्टी 10 के लिए है, 3 tan inverse x इक्वल में tan inverse 3x minus x cube upon में 1 minus 3x square। यानी कि tan 3x का फॉर्मूला होता है ये cot 3x के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट प्रॉपर्टी कराई थी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा देखते ही कि ये tan 3x का ये cot 3x के फॉर्मूले वाली है। सो पहली को मैं ड्राइव करता हूँ, सेकंड आपको करनी है अच्छे से, तो अच्छे से समझना है, सुनना है, तब आप करेंगे। सो लेट कर लेते हैं फर्स्ट के लिए क्या tan inverse x को क्या लेट कर ले, a लेट कर ले। इनवर्स इधर आने पर क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। tan a मेरे पास क्या हो गया, tan a, x की वैल्यू tan a। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3a का 3 tan a माइनस tan cube a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब मेरे पास क्या है tan 3a। सो मैं 3a, सिर्फ 3a को यहां पर रिमेन लिखता हूं, सेम ऐसे लिखता हूं। tan इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, 3 सेम, tan a वैल्यू किसकी है, tan a वैल्यू है x की, सो यहां पे x लिखेंगे, माइनस ये वैल्यू किसकी है x की, सो x क्यूब लिखेंगे, अपॉन 1 माइनस 3 सेम, tan a वैल्यू किसकी है x की, सो x स्क्वायर लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड साइड वाला पोर्शन शायद यही है जो हमें लेकर आना है। 3 मेरे पास सेम, 3 बिल्कुल सेम लिखेंगे, a की वैल्यू यहां पर क्या है, tan इनवर्स x, क्या है, tan इनवर्स x। सो राइट साइड वाला सेम मेरे पास ऐसे आ जाएगा, 3x माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर वाला पोर्शन। अब आप देख सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी ड्राइव हो गई, एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगी। नॉर्मल इसी मेथड से आप ड्राइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेफ्ट से राइट लेकर, राइट से लेफ्ट लेकर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो वो भी एक थोड़ा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ये वाला कोट वाला, कोट 3x वाला आप अपना भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कोट x को जैसे मैंने लेट किया, a लेट करना है, यहाँ पर tan 3x की जगह cot 3x का फॉर्मूला लगाना है, आपकी प्रॉपर्टी ड्राइव हो जाएगी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 थी, प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या, वो भी काफी ज्यादा यूजफुल है। तो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12, 11 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छे से हमें फॉलो करनी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने भी, ये एग्जाम में काफी बार प्रूफ होने के लिए क्वेश्चन की तरह आते हैं। तो देखते हैं कैसे होने वाली है। दो प्रॉपर्टी है, दोनों में से आपको दिख रहा होगा कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, प्लस माइनस और प्लस और माइनस। कौन से फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं, शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं भी क्लियर होगी कंडीशन देखते हैं, अपना भी क्लियर हो जाएगा। मैं किसी एक को ड्राइव करता हूँ, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं लेट, पहले वाले को क्या लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को ए लेट कर लेते हैं। सो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या इम्प्लाइज करेगा, ये सो एक्स इक्वल में आ जाएगा मेरे पास साइन ए। सेम ऐसे ही मैं सेकेंड वाले को क्या लेट कर लेता हूँ, बी लेट कर लेते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर बी की वैल्यू, यहाँ पर मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बी। क्लियर, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको देखना है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 11th में पढ़ा बहुत है हमने, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, अगर मैं पूछूँ साइन a माइनस b का सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, तो सिर्फ आप यहाँ पे साइन रिप्लेस कर देंगे, प्लस को माइनस और प्लस को माइनस, बाकी एज इट एज सारा फॉर्मूला रहना है, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी आपको अपना आप ट्राई करनी है होमवर्क में। सो ये वाली प्रॉपर्टी मैं ड्राइव करता हूँ। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल वन होता है, यस। अगर मैं यहाँ पर साइन की वैल्यू पूछूँ, सो प्लस चेंज इंटू माइनस, ये फॉर्मूला भी पढ़ा हमने कि वन माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, ऐसे बी के लिए हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इसीलिए। अब देख रहे हैं ए प्लस बी सेम, साइन इधर आकर कैसा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो गया। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू एक्स, ठीक है। कोस बी, कोस बी तो है ही नहीं मेरे पास, कोस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर बी और रूट बी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस बी ऐसे ही रहेगा। सेम ये साइन बी की वैल्यू वाई, ठीक है। कोस ए को कैसे लिख लेंगे, जैसे मैंने कोस बी को लिखा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मेरे पास ए, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास,
साइन इनवर्स एक्स अभी लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन में, ये भी सेम मेरे पास, ये भी सेम। अब कोस स्क्वायर बी का फॉर्मूला, आप यहां से जैसे मैंने साइन स्क्वायर निकाला है ऐसी कोस स्क्वायर ए निकालो, कोस स्क्वायर ए प्लस चेंज इनटू माइनस, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ए है तो ए और बी है तो बी, ए की जगह ए, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास सेम, ए की वैल्यू जैसे कि मैंने अभी बताया क्या पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और बी की साइन इनवर्स वाई, ठीक है, साइन इनवर्स सेम, एक्स भी सेम, ये वैल्यू किसकी है, साइन बी वाई की। सो रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये वैल्यू किसकी है, एक्स की, ये सेम। सो आपने देखा किस तरीके से हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी ड्राइव हो गई, इजी है, ऐसी सेम सेकंड वाले को आप आराम से कर सकते हैं ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करना है, सेम टू सेम नोट डाउन कर देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे आपको आ भी जाएंगे। मैंने नॉर्मल ये ध्यान रखना है सभी की सभी प्रॉपर्टीज, अप्रोक्स 15 के आसपास सारी प्रॉपर्टीज है, सिर्फ एक ही मेथड से, लेट वाले मेथड से मैंने आपको कराई, ग्राफ वाले मेथड से भी एक दो प्रॉपर्टी आपको करा दूंगा, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 13 जो कि लास्ट होगी इस वीडियो की, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 13, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 13 सेम, इसमें भी दो प्रॉपर्टी है, जैसे कि अभी आपने देखा साइन का प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले थे, सेम यहाँ पर कॉस के प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले, फॉर्मूला आपको याद हो गए थे साइन के जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे कॉस के भी क्या फॉर्मूले होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टी करने में आसानी हो। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ध्यान रखना अच्छे से, प्लस वाले में माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। और हाँ, अगर घर पर आप जब मैं सेकंड वाला आपको होमवर्क के लिए दिया है, रिमेन आपके लिए छोड़ दूंगा, ये वाला मैं ड्राइव करूंगा, सो सेकंड वाले में आपको माइनस का फॉर्मूला लगाना है, सो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से आसानी हो, कोई भी चीजों में परेशानी ना हो अप्लाई करने में। सो ध्यान रखना है माइनस वाले में प्लस आता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये मेरे पास साइन है साइन बी, ये मेरे पास फॉर्मूले हो गए। अब एक चीज मैंने अभी इनइक्वालिटी बताई थी छोटी सी, साइन स्क्वायर ए ये स्क्वायर फॉर्मूला होता है जो हमने टेंथ में पढ़ा है, कॉस स्क्वायर इक्वल वन होता है। अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसे हम फॉर्मूले अच्छे से यूज कर सकते हैं इसे भी, जैसे कि मैंने अभी लास्ट प्रॉपर्टी बताया आपको, फर्स्ट वाले को ड्राइव करने के लिए मैं क्या क्या लेट करूंगा, जैसे अभी लेट किया था, लेट करना है कॉस इनवर्स एक्स को, ए लेट कर लेते हैं, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए। सेम यहाँ पर कॉस इनवर्स वाई को बी लेट कर लेते हैं, सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस बी। दोनों आ गए, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्लस वाला ये माइनस वाला, जोन सी भी आपको मुझसे करानी है कोई भी, दोनों ही सेम है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का इक्वल कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखना है आपको, साइन ए साइन बी, ए प्लस बी सेम, कॉस इधर आकर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ठीक है, याद रखना है। कॉस ए क्या है मेरे पास, कॉस ए एक्स है, कॉस बी क्या है, वाई है, माइनस साइन को कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट दोनों साथ में लिख सकते हैं, जैसे मैंने पीछे लिख के दिखाया था, सेम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास साइन भी सेम वैसे रहेगा। ए प्लस बी सेम लिखते हैं, कॉस इनवर्स भी सेम लिखते हैं, एक्स वाई सेम, ये वैल्यू किसकी है, साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने बताया था वन माइनस कॉस स्क्वायर है, अगर बी होगा तो यहाँ पर बी लिख लेंगे, सो क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर है, लिख सकते हैं ऐसी बी के लिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, आसान है, ये भी सेम। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये सेम, एक्स वाई सेम, ये कॉस ए एक्स है, कॉस बी वाई है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी ड्राइव हो गई जो मुझे ड्राइव करनी थी। क्लियर कॉन्सेप्ट, ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में ट्राई करना है, अगर आपसे फिर भी नहीं हो पाता है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जब मैं इस चैप्टर का रिवाइज कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट की आगे वीडियोस आएंगी तो मैं उसके में आपके कमेंट के क्वेश्चंस को आप वहां पर डिस्कस कर लेंगे जो आपको डाउट होगा। आज की वीडियो में पढ़ाएंगे सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें। थैंक्स।